For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Well, Big Boss 13 को लेकर दोस्तों हम सभी जानते हैं बस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है बिकॉज इस बार का जो बिग बॉस होने वाला है वो डेफिनेटली डरावना होने वाला है. जी हाँ, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इस बार का बिग बॉस जो है वो थोड़ा सा हॉरिफाइंग होने वाला है. एक हॉरर थीम ऐड करने वाले हैं बिग बॉस इस बार. उसके अलावा बिग बॉस चाहते हैं कि इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो थोड़े से और ज्यादा ड्रामेटिक हो. अगर बात की जाए रीसेंट रिसोर्सेज के थ्रू ऐसी खबर आ रही है कि अर्जुन बिजलानी जो कि काफ़ी पॉपुलर टेलीविजन एक्टर हैं, बहुत हैंडसम है ऑफकोर्स, ऐसा कहा जा रहा है एक अवार्ड फंक्शन में जब वो दिखे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप बिग बॉस हाउस में जाएंगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. इट्स अ नो नो फ्रॉम अर्जुन. उन्होंने साफ कह दिया कि वो बिग बॉस घर में नहीं जाना चाहते हैं. उसके रीजंस काफ़ी सारे हैं कि उन्हें लगता है बिग बॉस के घर में जाने के लिए जिस तरह का कंटेंट उन्हें देना पड़ता है बिग बॉस को वो अर्जुन नहीं दे सकते बिकॉज अर्जुन जो है वो काफ़ी शांत स्वभाव के हैं रियल लाइफ में और वो इतना ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते. उसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे वीकेंड का वार पर सलमान खान से डांट सुनने का तो बिल्कुल ही शौक नहीं है. उसके अलावा ये भी कहते हुए नज़र आए अर्जुन बिजलानी कि बिग बॉस में यूजुअली ऐसा होता है लोग जाकर थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं तभी वो आगे तक चल पाते हैं, बट मैं चिड़चिड़ा नहीं बनना चाहता. मैं वहाँ जाऊँगा तो चिड़चिड़ा बन जाऊँगा. तो इस तरह की तमाम बातें, तमाम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आए अर्जुन बिजलानी. उसके अलावा दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग किस एक्टर को या एक्ट्रेस को, किस आपके फ्रेंड को जाना चाहिए बिग बॉस हाउस में, तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का नाम लिया. वेल, जिसमें से एक नाम था निया शर्मा का. जी हाँ, निया शर्मा ऑफकोर्स टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं. एशिया सेक्सीस्ट वुमेन्स लिस्ट में आ चुकी हैं निया शर्मा. सो निया शर्मा वैसे इन रियल लाइफ इन जनरल काफ़ी मूवफट हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी कंटेंडर हो सकती हैं बिग बॉस के. इनके बाद थॉट अबाउट दैट. उसके अलावा अगर बात की जाए पल्लवी पुरी का नाम लिया उन्होंने जो हाल ही में नागिन 3 में दिखाई दिए थे, नागिन 3 में हैं, उनका नाम लिया और कहा कि वो भी आई गेस अच्छे कंडेंटर बन सकते हैं बिग बॉस में. सो वेल, ऐसे कुछ राय दी अर्जुन बिजलानी ने. लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, वीडियो के नीचे जाओ, कॉमेंट्स करो और मुझे बताओ. एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू हर चैनल मूवीज अड्डा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.